नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी गर्दन और कंधे का जो दर्द होता है उसके लिए मसाज करने के लिए, तो सब देसी तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले जो बच्चे ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं उनके लिए, या जो कुर्सी में बैठे रहते हैं, बैठ कर कोई काम करते हैं उनके लिए, ये जो भी किसी भी तरीके से आपको अगर गर्दन और कंधा का दर्द है तो गारंटी बता रहे हैं एकदम से, आपको देसी तरीके से बता रहे हूँ कि एकदम आपको ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, ये तेल है और इसमें लहसुन डाला हुआ है ये, तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। देखिए एकदम भुना हुआ लहसुन है ये, और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आप इसमें कई औषधियाँ मिला सकते हैं। गले का यानी गले के जो पीछे वाला भाग होता है, ये टॉन्सिल वाला नहीं, पीछे की जो नसी होती है इसमें दर्द होता है और पीठ में, उसके दर्द के लिए आपको मसाज बता रही हूँ। इसके पहले मैं आपको कमर दर्द का भी मसाज ही बताई थी और एक्सरसाइज बताई थी, एक्सरसाइज इसमें भी बताऊँगी। और इसके पहले बहुत सारे औषधि से संबंधित से आपको वीडियो दी हूँ, आपको बहुत फ़ायदा हुआ है इसलिए मैं इस वीडियो को दे रही हूँ। चलिए आपको बताती हूँ, मसाज करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि आपको बता रही हूँ गर्दन का ये वाला भाग, ये वाला भाग दर्द करता है और ये वाला भाग, और जो ये कंधा है यहाँ का ये जो भाग है यानी कि जो जोड़ है हाथों का, ये दर्द करता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ दर्द नाशक तेल बनाना यानी सामान्य सा, लेकिन पूरा इसका जो नियम है वो मसाज के ऊपर है। तो ये है शुद्ध सरसों का तेल, कटोरी गर्म हो गई है, इसमें हम डाल रहे हैं ये। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये है लहसुन, तो लहसुन के अलावा, सिर्फ लहसुन नहीं, इसमें मैं कई चीज़ें बता रही हूँ आपको, जैसे कि लहसुन या हींग या मेथी या काली उड़द या कोई भी उड़द भी डाल सकते हैं आप, ये सब दर्द नाशक औषधि हैं, या अजवाइन, इन चीज़ों को आप डाल के इसको अच्छी तरह पकाइए। पकाने के बाद इसको छान लीजिए और छान के एक बर्तन में रख दीजिए। तो ये देखिए, ये तेल हल्का गुनगुना है, इसको ऐसे करना है। उसके पहले मैं आपको एक्सरसाइज भी बता दे रही हूँ, पहले आप तेल मसाज देखिए, ये है ये। तो जैसे यहाँ से जैसे दर्द शुरू होता है, ये नसी से यहाँ से, फिर बाद में ये रीढ़ की हड्डी यहाँ से, जब यहाँ से शुरू होती है ये और ये नीचे तक जाती है, तो ये हड्डी भी गर्दन को बहुत देर तक झुका के या बहुत देर तक सामने टीवी देखने से, कंप्यूटर चलाने से भी दर्द होता है। तो ये देखिए मसाज का तरीका, ये आपको ऐसे मसाज करना है अंगूठे से ऐसे, और जिसको दर्द हो रहा होगा उससे आप पूछो कि इससे आराम है कि नहीं ऐसा करने से, ये फिर उंगलियों से इसको ऐसे करना है, ये सही तरीका है मसाज का, ये फिर ऐसे, ये है ऐसे। तो आपको मैं बता रही हूँ गर्दन के दर्द के लिए। उसके बाद मैं बोलूँगी इस बच्चे से कि दाहिने से बाएं तरफ गले को पूरी तरफ नीचे से ऊपर कर तक करके घुमाए, ऐसा करते समय मुंह और आँख दोनों बंद होनी चाहिए, आँख खुली नहीं होनी चाहिए। ये है गर्दन के दर्द के लिए एक्सरसाइज, जो कि जितना सीने तक अगर गला जाए तो सीने तक, जितना नीचे जाए उतना और इधर जितना ऊपर जाए उतना, फिर दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाहिने, तो बहुत आराम से, बहुत तेज़ी से नहीं, धीरे धीरे, जैसे कि आप एकदम से आपको लगे कि आराम है, एकदम सीने से लेकर और कंधा में यहाँ तक इतना मुड़ना चाहिए। ये हो गया गर्दन का मसाज, फिर आप गर्दन को सीधे कर लेंगे ऐसे, और आप जितना हो सके आगे तरफ झुक के गर्दन को करेंगे ऐसे, जितना झुक सके, और फिर ऐसे धीरे धीरे ला के ऐसे करेंगे और फिर पीछे मोड़ेंगे ऐसे। इस तरीके से आप 3 से 4 बार करेंगे, उसके बाद फिर से मसाज करेंगे। आप इसको 3 से 4 बार करिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे जितना झुक सके, फिर ऐसे, ये 3 से 4 बार करने के बाद फिर आपको मसाज करना है तेल से ऐसे। ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे
तो ये मसाज जो मैं बता रही हूँ ये कोई भी कर सकता है। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति के गले में दर्द है इन नसियों में, तो उसके लिए भी, बच्चा है उसके लिए भी, कोई भी। लेकिन अगर बुखार है आपको तो बुखार के समय तेल से मसाज नहीं करना है। आप ऐसे ही, जैसे आपको बुखार है आपको तेल नहीं लगाना, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे देखिए ये है, तकलीफ थोड़ी हो रही है। तो ये है मसाज का तरीका ये। और जैसा कि पहले जो हमारी दादी लोग थी, वो मसाज हर समय बच्चों को, यानी बच्चा जब पैदा होता था उसके 10 दिन के बाद से लेकर 1 साल तक मसाज करते थे, तो बच्चे काफ़ी, उनका हाथ पाँव मजबूत रहता था। लेकिन आजकल बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं तो उनको मसाज बिल्कुल मना रहता है, करने ही नहीं देते, तभी बच्चे तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। ये देखिए, ये है मसाज, मैं आपको बता रही हूँ गले के दर्द का। आप ऐसा करके देखिए और बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ, आप कैसा आपको आराम मिला। ये देखिए ये, उसके बाद ये ऐसे करके जितना हो सके ये, तो आगे का जो गला में थोड़ा, जैसे यहाँ दर्द हुआ तो ये क्या है, मांसपेशियाँ हैं, उनका जकड़न यहाँ भी आता है, तो इस तरीके से तेल थोड़ा ज़्यादा लीजिए, ऐसे लगाऊंगी अब ऐसे ये, अब इसको ऐसे करेंगे ऐसे, फिर गले को ऊपर कर लेंगे ऐसे ये, तो मसाज जो कराता है उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये और एक बार मैं फिर बताऊंगी, ये दोनों, ये जो नरम भाग है हाथ हथेलियों का ये भाग, ये इससे जब ऐसे मैं करती हूँ ये, तो पूरा जो ये दर्द का जो भाग है, जो नसें जो सिकुड़ती हैं वो खुल जाती हैं। फिर से आप देखिए ध्यान से ऐसे, और ये जो हड्डी है यहाँ के बाद, ये हड्डी, ये गले की हड्डी की रीढ़ की हड्डी से संबंधित रहती है ये, इसको आप ऐसे करिए ऐसे, फिर गले में एक बार गला ऊपर करके ऐसे इस तरीके से ये। अगर बुखार है तो बुखार में बिना तेल के आप कर सकते हैं, क्योंकि तेल से बुखार अंदर चला जाता है तो बार बार बुखार होने का डर बना रहता है। ये हो गया। फिर आपको मैं बताऊंगी, ये है पीठ, पीठ का ऊपर वाला भाग है ये जो महिलाएं हैं हमारी घरेलू महिलाएं, जैसे वो कपड़ा धोती हैं या पीटती हैं या रोटी ज़्यादा देर तक बेलाती हैं या एक हाथ से पोछा लगाती हैं, तो उनका जो ये दाहिने हाथ का ये साइड है, ये हमारी बहनें जान जाएंगी कि उनको कितना तकलीफ होता है, ये पूरा उनका जकड़ जाता है। लेकिन बात ये है कि वो खुद इतना सेवा करती हैं लोगों की, तो उनको मसाज कौन करे। तो मैं उनसे सब बताना चाहूँगी, उनके पति हैं या बहन है या भाई है, उनका बच्चा है, सबसे ज़्यादा सेवा बच्चा करता है, लड़की हो बेटी ज़्यादा करती है। तो अगर माँ के इस जगह में दर्द है हाथ में, इस वजह से कपड़ा धोने से या रोटी बनाने से या जो भी वजह से, तो इसको आप कैसे करेंगे उसको भी बता रहे हैं। सबसे पहले साधारण तरीका का एक्सरसाइज है, ये है कंधे दर्द के लिए, तो ऐसे ये रामदेव महाराज बताते हैं, ये देखिए ये घुटना जुड़ जाना चाहिए ऐसे ये, और फिर ये ऐसे, ये दोनों बार जुड़ना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं इसको करने के लिए। ये आपको एक्सरसाइज कब करना है, जैसे आप काम कर चुके हो और आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसी समय करिए, ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ के यार रोज करिए ही, ऐसा नहीं, जब दर्द हुआ तब आप कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा मसाज बता दे रही हूँ, अब इसको आप जैसे 10 से 12 बार करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको मसाज की आवश्यकता ही नहीं है। तेल को आप उठाइए ये, और ये जो ज्वाइंट है बस यही दर्द करता, क्योंकि बार बार ये ऊपर नीचे होने से ही ये दर्द होता है। एक है पीठ का, मतलब कंधे से संबंधित है, तो आपको ऐसे इसको करना है। ये अंगूठा है जो ये, और ध्यान रखिए हाथ का जोड़ है, इसको ऐसे करना है ऐसे। एक्सरसाइज के बाद जो थोड़ा बहुत दर्द है वो इससे निकल जाएगा, और जब भी आपका दर्द करे तो आप यही करिए, और बिल्कुल ही आप
खुश हो जाइए आप। अगर दर्द बना रहता है तो चिड़चिड़ाहट होती रहती है बहनों को, तो फिर कोई अच्छा भी बोलता है तो फिर उनको डांटती हैं। तो आप जब आप सुखी रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे तो सबसे प्रेम से करोगे बात। तो मैं आपको बता रही हूँ ये जो आपके कंधे में दर्द होता है वो कैसे फट से ठीक हो जाए, यानी जल्दी से और आसान तरीके से ठीक हो जाए। ये देखिए, ये पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे बब्बा लोग जब थे, तो जो हमारे गांव के नाव भैया लोग आते थे तो बाल काटने के साथ साथ मसाज भी करते थे, और मसाज करवाने वाला व्यक्ति सो जाता था, इतना उसको आराम लगता था। ये देखिए, और फिर हाथ को सीधा कर लेंगे मसाज करते समय, क्योंकि हाथ में भी कंधे से जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे मसाज करेंगे ऐसे। पर बात यह है कि अगर बहू को दर्द होता है तो उसको अगर कोई ऐसा सेवा करे तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, ससुराल वालों को। मैं तो कहती हूँ सास हैं, जिठानी हैं, देवरानी हैं, ननद बड़ी हूँ या छोटी हूँ, घर में जो संचालिका है यानी जो सब काम करने वाली व्यक्ति है, अगर वो स्वस्थ रहेगी तो आपको सभी को सुख पहुंचेगा। इसलिए उसको भी आप लोग देखें कि उसको क्या तकलीफ़ है और उसको तकलीफ को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप ये मसाज एक्सरसाइज उसको करवाएँ और मसाज आप लोग करें। तो मैं आपको बता रही हूँ फिर ये नियम है मालूम, बताए हूँ कि दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो अगर आप एक हाथ को आप मसाज करके छोड़ दोगे तो ये लगेगा इसको भी कर, थोड़ा सा आप बाएं हाथ को भी आप मसाज करो, नहीं अधूरा लगेगा, उसको आराम नहीं मिलेगा जिसका दर्द हो रहा है। थोड़ा सा आप इसको भी करो, और इसका तरीका फिर से बता दे रही हूँ कि आप यहाँ से शुरू करें ऐसे, ये ऐसे। अब देखिए ये लहसुन को ये ले लिए हैं, इसको थोड़ा सा दबाएंगे आप देखिए इसको ये, और ये मतलब इसको लगाने के बाद फिर नहाना है ना, तो आप हमेशा लहसुन के सुगंध से ही इसको लगाइए ऐसे, बाद में हटा देती हूँ इसको। तो ये जो मसाज मैं बता रही हूँ कंधे का और पीठ का, ये मतलब आधा पीठ माना जाएगा कंधा है ये, तो इस मसाज को जिसको भी दर्द हो, वो पुरुष हो, महिला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सयान, किसी भी उम्र का, किसी भी वर्ग का कोई भी हो, इस मसाज को और इस एक्सरसाइज को करके आप इस दर्द से मुक्ति या छुटकारा पा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मैं दोबारा फिर बता रही हूँ, ये अंगूठे को ऐसे ऐसे, ऐसे करना है, और मसाज का पूरा नियम भी बता देती हूँ ऐसे करके ये, और उंगली भी बुला दें तो दर्द एकदम उंगली से यहाँ से उतर के बाहर निकल जाता है। एक बार और ऐसे आप दोनों हाथ में ऐसा करें ऐसे, आप जहाँ तक मसाज करते हैं दर्द वहाँ से निकल के एकदम से आपको रिलीफ मिलेगा ये। अब उसके बाद उंगलियों को फोड़ देंगे, ऐसे, और ऐसे इस हाथ में भी करेंगे ऐसे, यानी ये कंप्लीट मसाज है हाथों का, पीठ का और गर्दन का ऐसे, और हथेलियों में भी तेल लगाना चाहिए ये ऐसे। जैसे मैं एक तेल लगाने की वीडियो दी हूँ कि पाँव में जो तेल मसाज करते हैं उससे आँख की रोशनी कैसे बढ़ती है, और हथेलियों में यहाँ जो तेल लगाते हैं इससे, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है बालों को भी और आँख को भी। आप ऐसे उंगली को खींची, उंगली बोले या ना बोले इससे दिक्कत नहीं है, पर खींच लीजिए ये। तो ये हो गया कम्प्लीट गले का दर्द यानी यहाँ से जो संबंधित है, और कंधे का दर्द। तो इस मसाज और इस तेल से, यानी तेल में आप कुछ भी डाल लो, हींग, अजवाइन, कुछ भी, कोई एक चीज़ या दो चीज़ भी डाल सकते हैं, और तेल को रख लो, जब भी लगाना हो थोड़ा हल्का गुनगुना करके इसी तरीके से आप मसाज करिए,
और इस वीडियो को आप देखिए और आपको पहले आराम लगे फिर इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।